पहले ही 2.5-3 घंटे पहले जो वीडियो की है उसमें ही मैं कह के गया हूँ कि भाई पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला है, पाकिस्तान को आप लोग अब ये नहीं समझे बैश करना होता, हम खुल के करते हैं, लेकिन ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट सुनाते हैं। जो हिफ्जा है मेरे साथ उसका भी मुंह बना पड़ा, पहले तो बड़ा उछल के उतर रही थी पाकिस्तान, तो एवरेज पर बात ना हो इसलिए तो कह रहे हैं कि वो एम्पायर से वाइट भी दिलवा रहा है, वो नो भी दिलवा रहा है, एडिटिंग फोटोशॉप हो रही है कि एम्पायर की शक्ल पे विराट कोहली की शक्ल लगा दी। मेरी बात सुने, हम लोग थे तो पाकिस्तान के साथ ना, उम्मीद थी पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन वो भी एक फॉर्मेट में यार, अभी उसने खेला ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें बाबर की गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है, हम तो कपड़े उतार ही रहे हैं उसके, क्रिकेट में कपड़े उतार रहे हैं, टर्म्स को जरा समझा करें लोगों की। इन दोनों की वजह से ना तो किसी की बैटिंग आई, पर्थ के मैच की मिसाल दे देता हूँ, मिलर अच्छे खासा पार्ट खेला इनिंग का, तब जाके मैच जितवाया उसने, अगर वो 15वें ओवर में बल्ला उठा के आता और 13 है, कोई थोड़ा बहुत कोई करिश्मा कोई जादू हो जाए, हाँ बारिश हो जाए, आने वाला बच्चा उसी को देख रहा है। कडानी का तुम्हें बता दिया हमने, इससे 3 दिन पहले भी बताया था, आज फिर बता दिया और उसको इंडोर्स कर दिया, किसने, हमारे लड़के ने, किसका लड़का है, दानी, दानी ने काम क्या किया, बारिश हो जाए और मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन अब तो बिल्कुल थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और उस खिलाड़ी का नाम था नसीम सा। अब फिलहाल जो सिचुएशन है, हम हार जाएंगे, कोई चांस नजर आ रहा है। प्रेस किया, देखिए यार मेरे जो घंटे के फैन है, आपने दुआ करनी है ये वाली कि यार वहाँ पे यूं हो जाए, बारिश हो जाए, आप दुआ करते इनका एवरेज बढ़ जाए, इनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाए, तो शायद आप, लेकिन इस दफा कोई भी नहीं चला, एक पहले तो बड़ा खुश थे सारे, अब एकदम से चेहरे बन गए, भट्टी का चेहरा भी बन गया, श्रीलंका तो पाकिस्तान की पिचेस, ये लोग यहाँ पर बारियां कब आने दे रहे हैं, कर्जे से पीछे वालों की, ये खेल जाते हैं 10-10 ओवर 12-12 ओवर, पीछे वालों को कहते हैं यार 8 ओवर में 80 चाहिए बनाओ। इंडिया वालों ने इतना धोया ना हमें पकड़ के, एंड पे धोया, लेकिन हाँ खुशी चलेगा, 40-40 बॉले खेल रहे हो तुम और नीचे छोड़ के जा रहे हो तुम 10 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, तो नीचे आने वाला यार माशाल्लाह एम्बेसडर बन के वो जाके पाकिस्तान के मैचेस देख रहे, तो उन्हें तो उनकी रेडी छोड़ कर आए हैं टीम उनको की, तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंट की बोतात देखो आप, वजह ये कि क्रिकेट के उस सिस्टम की तारीफ करनी पड़ेगी यार किसी को, जिनके पास ऑप्शन है यार, अभी कुछ अर्से चेयरमैन भी किस चीज के, कम से कम हम लड़े तो है ना, लड़े हैं, हाँ मैच फाइटिंग हुई है, लेकिन पूरा प्रोग्राम होगा, आधा प्रोग्राम उसी पे होगा, तो वही खबर समझ लीजिएगा पहले क्या है। पीसीबी कहता है कि हमने जो है ना क्लियरेंस दे दी है साउथ अफ्रीकन लीग खेलने की, तो भाई काम से मैच निकल गया, क्या कहना चाहोगे आप भी निकल जाए तो पांड्या और जडेजा ने मैच लेके निकल गए, हाँ तो हमें उम्मीदें थी वैसे रिजवान से बहुत, लेकिन एंड में ये बात हुई थी और सितंबर में इसका पहला ऑप्शन होना है। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो बाबर का अंदाज है खेलने का, ये इवन रिजवान का है या इवन दूसरे और प्लेयर्स, इसी बॉल्स रह गई हैं और रन्स भी थोड़े से रह गए, अब नहीं कुछ हो सकता, आप क्या कहते, पहला उसका मुंह से जो होता है बेचे वो भी हो गया, तो इन्होंने क्या कहाँ खेलने की इजाजत दी, किसी ने इनसे पूछा है कि आपके प्लेयर्स वहाँ आएंगे तो आप भेज दोगे हम खेलने, और क्या इतना अच्छा मैच खेल रहे थे एंड पर उन्होंने सही मार दिया, अच्छा तो बस हार्दिक फ्रेंचाइज ओनर्स है वो भाई, वो तो कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक भारत से, हम जब आईपीएल की फ्रेंचाइज में इनको नहीं उठा सकते तो हम तो यहाँ नहीं उठाएंगे, इन्होंने किसके ईमा पर क्लियरेंस देकर एक बार, क्या कहना चाहोगे अभी मैच हाथ से निकल गई सर, हार गए हम, क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनका काम ही क्रिकेट खेलना है, उनका ब्रेड एंड बटर है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो आसानियां पैदा करे कि लड़के जाके लीग खेले, तो पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 लीग खेलने की इजाजत दी भी अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, इंडिया जीते बड़ी बात है। एसीसी की जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, उसके अंदर अभी जो उनका बयान था जैसा का, उन्होंने कहा कि ये तो मुत्तफ़िक़ का फैसला है, नहीं जीत पाएगी इंडिया, पाकिस्तान से जीत गया, आपकी हार ये थी कि उधर रोहित शर्मा, उधर विराट कोहली, उधर के एल राहुल, उधर हार्दिक पांड्या, उधर तो पता नहीं कौन कौन है, जबरदस्ती आप लोगों ने कंपैरिजन शुरू किया विराट के, करते रहे ऑफ डेज में कि उसके बड़े रन्स नहीं आए, हांगकांग को पाकिस्तान से बड़ी टीम बता रहे,
भाई शिखर धवन मिलाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो बॉन्डिंग है ये तो हमारी सोच से बात है। हमारे यहाँ तो ये घंटे के वर्ल्ड क्लास है ना, इन्हें तो किसी से ये इंस्पिरेशन तो लिए हुए नहीं है कि जहीर भाई हमारे रोल मॉडल है। उल्टा आप ये नहीं गाली आपने आज मार्केट में रिफ्लेक्ट की कि हम जो अलाउ कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन लीग के अंदर, तो भाई वो कौन सा ओनर है, फ्रेंचाइज ओनर, हमें भी पता चले है, बातें ठीक कर रहे हैं हमारी नजरों में ना। अरे भाई आप हो किसकी, यही वजह हो फ्रेंचाइज ओनर से ना भी तो एशिया कप का भी रोना है, वर्ल्ड कप खत्म होते ही वो रोना भी तो दोबारा रीओपन होगा। अब देखिए यार बात ये है कि अगर वहां से गंगुली ने बोला नहीं यार ये हम लोगों के हेरिटेज है भाई, हम लोगों का विंटेज है, हम लोग ये नहीं कर सकते कि इनकी तस्वीर हटा दें यहाँ से। क्रिकेट अलग चीज है यार, हमें भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके अंदर ये किसी ने पैसे दिए उसको, वो अपना वक्त लगा रहा है, खर्चा भी अपना कर रहा है, मेहनत भी अपनी कर रहा है, और फिर शाहनवाज गानी से रिक्वेस्ट कर रहा है जो उसका दोस्त है कि यार विराट भाई से कह दो मेरे लिए कुछ बोल। खिलाड़ियों के साथ जाती थी, आज जो ये बयान है आसमानी किताब पे जिसमें कहा गया कि पीसीबी अलाउ कर रहा है, तो भाई आपको हरी झंडी दिखाई किसने, आप तो हरी लाल झंडी की अभी तक, पहले तो आप इस बात को इकरार करेंगे।